एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि 67वीं जो प्रीलिम्स है उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें क्या है कि हमको जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको थंबनेल से पता लगेगा, स्पीडी, एडिटोरिया, परीक्षा मंथन, उसके बाद PD, उसके बाद आपको हो गया और सारे बुक्स, उस सब का करंट अफेयर्स एक कंपाइल करके हम इसको आपको करवा रहे हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स अपने हिसाब से जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और इसको आके रिवीजन कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा आज का लेक्चर है, इसके पहले दो वीडियो और आ गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। या प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में और जाके उसको देख लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन एमोंग द आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि हम कोई भी जो मतलब क्या है कि कोई एक कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो अपने सभी विभागों में आउटसोर्स्ड कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को आउटसोर्स्ड करते हैं, बाहर से बुलाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अब बोल दिया गया है कि भाई हम बाहर से जो बुलाएंगे उसमें क्या हुआ कि 33% जो होगा ना बंदे, वो लेडीज़ ही होंगे, वो औरतें ही होंगे, वीमेन होंगे, ठीक है। तो ऐसा रिजर्वेशन देने वाला कौन सा स्टेट किया है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली सेंट जोंगजिंग 6D सैटेलाइट इनटू स्पेस, ठीक है ना। किस देश ने जोंगजिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? एक मिनट रुको भाई। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, कौन से ऐसे कंट्री है जो इस सैटेलाइट को भेजा है? तो दोस्तों आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो नाम से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन से ऐसा स्टेट है जो अपने पूर्व सैनिक और अपने यूथ को स्टेट से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना का शुरुआत किया? तो हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तराखंड, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। मतलब जो दृष्टि से बाधित है, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल अक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो चैनल का जो नाम है ना, वो भी आपको याद होना चाहिए। आपसे नाम से पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नाम है, तो क्या है, अक्ष है। तो कहाँ पर किया है दोस्तों? नागपुर, भोपाल, लखनऊ और पटना। तो याद रखिएगा नागपुर, यहीं से नितिन गडकरी है, बहुत ही फेमस आदमी, आपको पता होगा उनके वर्क के बारे में। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सीजनल माइग्रेंट वर्कर। अगर हम हिंदी में देखें तो बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा ऐसा देश, स्टेट है, राज्य है, जो एक एप्लीकेशन बनाया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? MTS, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जिसमें क्या होता है कि अगर उसके स्टेट में जो वर्कर्स सब हैं माइग्रेट करते हैं, जो सीजनल माइग्रेट होता है ना, उसको ट्रैक कर सके, ठीक है। तो कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। अब सपोज करो कि बिहार से भी बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो कहाँ पर जाते हैं? महाराष्ट्र जाते हैं। कोविड के दौरान आपने देख लिया होगा जॉब वूब के लिए,
काम सबके लिए, वर्कर्स से, जो ये सब क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स से। बहुत सारे देखते होंगे कि जो सीज़न आता है, जो खेत खेती का सीज़न होगा तो वो लोग बिहार आ जाते हैं चावल धान उगाने, उसके बाद जो ऑफ सीज़न में चले जाते हैं। तो ये सब क्या होगा ना, माइग्रेंट वर्कर्स है। तो उन लोगों को ट्रैक करने के लिए MTS एप्लीकेशन महाराष्ट्र लॉन्च किया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने आपको पढ़ा हुआ है, इसका जल्दी से आंसर कमेंट में डालिए। वेयर विल इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर टू बी सेट अप टू ट्रेन यूथ। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी पहला पहला हो जाता है ना दोस्तों, उसको देखिएगा ध्यान से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा में। और उड़ीसा से एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंडियन हॉकी टीम है ना, उसको गोद में लिया है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट का एक फंड है, एक प्यार है इंडियन हॉकी टीम से, समझ रहे हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि अभी हमारे देश में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनने वाला है, कौन से स्टेट में बनने वाला है, मतलब बन रहा है, इन प्रोसेस है, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ गया, अगला है कि विच कंट्री चेयर द इंटरनेशनल वाटर वीक कॉन्फ्रेंस 2022। अगर हिंदी में देखें दोस्तों, तो किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह, जल सम्मेलन 2022 की क्या किया, चेयर किया, अध्यक्षता की, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका किया दोस्तों सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अब आइए एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि हाल में ही विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी, ठीक है ना, मैगी तूफान आया था, उससे कौन सा देश प्रभावित हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिलीपींस। क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन मेटावर्स। मतलब क्या है ना कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों तेलंगाना। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किया है दोस्तों जामनगर में। अब कमेंट करके बताइए कि ये देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर तो जामनगर आ गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि ये जामनगर की जगह स्टेट दे देगा कि कौन से स्टेट में ऐसा इनोग्रेट किया है। क्या इनोग्रेट? तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका इनोग्रेशन, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का इनोग्रेशन किया है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि जामनगर जो है वो कौन से स्टेट में है। क्वेश्चन जामनगर के अलावा आपको स्टेट आ जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्टेट वॉज गिवेन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इंडियन स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंपटीशन 2022, ठीक है, सॉरी 2020। इंडियन स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि BRO क्या है? BRO वॉज बिल्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट टनल कनेक्टिंग लद्दाख विथ विच स्टेट, ठीक है ना। तो हाल में ही BRO लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे जो सुरंग उरंग होता है ना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ासकर BPSC जो है ना, दो क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, 67वां भी पूछा है, 66वां भी पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो लद्दाख और किसको जोड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। अब बताइए कि जो सुरंग बनने जा रहा है, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट सुरंग है, उसका नाम क्या है? नाम कमेंट करके जल्दी से बताइए।
क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो नाम ये सब जो है ना वो सब फिर इसमें आएगा ही आगे, जो भी जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सब इसमें हम कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ द लखरवार वयासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। मतलब चर्चा में रहा लखवाड़ वयासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। इसका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सकूरा, जिसको हम चेरी ब्लूजम के नाम से भी जानते हैं, एक नया स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया। अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में सकूरा चेरी ब्लॉजम जापानी एक फूल है, उसको नई प्रजाति खोजी गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चर्चा में रही साइक्लोपियन वाल कहाँ पर लोकेटेड है। कौन सा वाल है दोस्तों, साइक्लोपियन वाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा अपना बिहार, साइक्लोपियन वाल अपना बिहार है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर है साइक्लोपियन वाल, लगभग ये बहुत 2500 पुराना एक ओल्ड स्ट्रक्चर है, एक वाल है। कहाँ पर है वो, राजगीर में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। क्या है मतलब, एक तरह से बिहार गवर्नमेंट जो है ना एक नया प्रपोजल भेजा है ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। क्यों, क्योंकि इस वाल को किस में लिस्ट करवाने के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैपियर एकोन 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। हु विल होस्टेड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैपियर HPAIR एकोन 2022, ठीक है। तो इसका मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों, तो इसका मेज़बानी करेगा, इस क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका मेज़बानी करेगा इंडिया। आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसका मेज़बानी या कुछ जो होगा वो इंडिया करता है, ठीक है। अब देखिए, अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, जो ये आपको सबको पता होगा। तो बने हैं दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म अ ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन डिजास्टर। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज चेयर द क्वाड लीडर समिट 2022 फ्रॉम द इंडियन साइड हेल्ड इन जापान। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में आयोजित हाल में ही क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, उसमें भारत की तरफ से किसने मेज़बानी की थी, चेयर किया था, अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसमें किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नरेंद्र मोदी, वहाँ पर जापान गए भी थे। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया जूनियर 12th हॉकी इंडिया जूनियर वीमेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2022। मतलब क्या है कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2022 का किताब किसने जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इसके बारे में, हॉकी इंडिया जूनियर वीमेंस नेशनल चैम्पियनशिप के बारे में। तो किसने जीता है, तो हमारा हरियाणा ने जीता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियन कौन सा राज्य जीता है। मतलब विच स्टेट हैज़ वन द 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियन। तो ये हमारा तमिलनाडु ने जीता है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है ना, तो कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, कम से कम किसी को शेयर कर दो। देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। हाल में ही चर्चा में रहा नेपच्यून एंटी
शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? देखो क्वेश्चन, दो तरह के मिसाइल होते हैं दोस्तों, एक होता है कि क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, दोनों में नॉर्मल जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं हिंट सबको दे देता हूँ। देखो जैसे ए सतह हो गया, अर्थ हो, ए हमारा लैंड हो गया, ठीक है ना, ए हो गया क्लाउड, ठीक है क्लाउड, अगर इंडिया यहाँ पर है और एक कंट्री यहाँ पर है, ठीक है, तो हमको इंडिया से यहाँ पर मिसाइल मारना है। तो जब हम क्रूज मिसाइल मारेंगे ना, तो क्रूज मिसाइल क्या करेगा ना, ऐसे पैरेलल जाता है, ठीक है, पैरेलल जाता है और यहाँ पर गिर जाता है, तो रडार को इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है ना कि एक पैराबोलिक शेप लेता है, ठीक है ना, पैराबोलिक शेप लेता है और यहाँ पर मारता है। तो जनरली हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करते हैं दोस्तों, जैसे अगर कोई दूर दूर डिस्टेंस कवर करने के लिए, समझ रहे हो, तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, जो पैराबोलिक जो गोलाई कवर करता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब कमेंट करके बताइए कि जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है वो पैराबोलिक है या क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन। तो नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल चर्चा में रहा है वो कहाँ से संबंधित है, तो है यूक्रेन से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच कंट्री सक्सेसफुल टेस्ट फायर्ड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन अप्रैल। अगर थोड़ा भी बहुत आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो इसको आप आंसर मार देंगे। कौन सा ऐसा देश है जो लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण किया है? अब देखो क्या होता है कि लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, समझिए क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए दोस्तों कि कोई आपके कंट्री पर, सपोज करो ये आपका कंट्री है, कोई आपके कंट्री पर मिसाइल मार रहा है, ठीक है ना। जैसे जनरली आप अब देखोगे कुछ दिन पहले कि जो गाजा स्ट्रिप से जो हमास सब था, जो पैलेस्टीन वाले, उन्होंने क्या किया, इज़राइल पर बम मिसाइल मारना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो एक डोम सिस्टम होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो एक डोम की तरह कवर कर लेता है पूरे अपने कंट्री को, और मिसाइल आएगा तो ऊपर से उड़ा देगा इसको, जस्ट लाइक एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही होता है। लेकिन नया जो सिस्टम लॉन्च कर रहा है जो इज़राइल, इसका आंसर क्या होगा, इज़राइल होगा। वो क्या कर रहा है कि लेजर मिसाइल सिस्टम, मतलब जो आप लेजर शो देखते हैं ना, या लेजर एक पेन आता था जो रेड रेड निकलता था, उसी तरह के एक मिसाइल सिस्टम है, वो मिसाइल नहीं, एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब ऊपर से अब हमारे देश पे कोई भी मिसाइल आएगा कोई भी कंट्री का, तो हम लेजर से उसको तबाह कर सकते हैं, लेजर से उसको क्या करेंगे, हम उसको मार गिराएंगे। तो कर रहा है इज़राइल। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। मतलब क्या है दोस्तों कि 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैम्पियनशिप 2022 का किताब किसने जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना महाराष्ट्र ने जीता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इतिहास का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर आप ऊपर होंगे ना 19, चलिए अब इसमें इसलिए हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कौन सा डेट, ए कौन सा दिवस मनाया है, तो ए हो जाएगा 87, ए करेक्ट होना चाहिए। अब आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में 1935 का एक्ट, ठीक है ना, 1935 का एक्ट पढ़े होंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो उसमें आपको दिखा होगा कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो 1935 के ही समय क्या हुआ कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बना, ठीक है, जो अभी आप देख रहे हो रिजर्व बैंक इंडिया वो बना। तो उसके अभी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि उसके अभी वो कौन है, रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर कौन है। और सेकंड कि जो हम मॉनेटरी पहले पॉलिसी डिसाइड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो दो क्वेश्चन है, उसका जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका हो जाएगा 1935। भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2021। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम वित्त वर्ष 2021-22 के को हम देखें तो भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सब्जी उत्पादन कहाँ से कौन करेगा, जो सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन्स होंगे, उसके क्लाइमेट सपोर्टिव होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन किया है, याद रखिएगा। और
सब्जी के अलावा आपको क्या करना है कि पूरे लिस्ट है बताइएगा, उसका भी हम पढ़ा देंगे, उसको उसका भी हम बताएंगे। उसमें आप पूरे लिस्ट को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जी के अलावा। अब UPSC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी पूछ दिया था, समझ रहे हो। तो ये सब जनरली पूछा जाता है, मिनरल्स हो गए हैं, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शंस हो गया इंडिया में, वर्ल्ड में, सब आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वरुण, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वरुण नेवल एक्सरसाइज। देखो इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में हुआ है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ना हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग अपन लोग क्या करते हैं ना, अपन लोग क्या करते हैं कि जस्ट वेट, अपन लोग क्या करते हैं ना कि अपन लोग सिर्फ दोस्तों वरुण याद करके चले जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वरुण एक्सरसाइज क्या है, नेवी का है या एयरफोर्स का है या मिलिट्री का, आर्मी का है। ऐसे क्वेश्चन आपको 65वें में पूछ दिया था, बहुत का कुछ आंसर गलत भी हो गया, ठीक है ना। याद करिएगा कि नेवी जो है वो किसका है, नेवी वरुण जो है नेवल एक्सरसाइज है, ना कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ना कि आर्मी का एक्सरसाइज है। तो कौन से देश के साथ हुआ है, तो हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड विनय समरसीय योजना। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सा ऐसा देखो अनटचेबिलिटी तो आपको पता ही होगा हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में मतलब ये सब अभी भी कुछ जगह ऊपर है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बीमारी, जो एरिया जो ज़्यादा डेवलप नहीं है और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वहाँ पर है। और इवन क्या है कि आजकल पढ़े लिखे भी इंसान ये छुआछूत की समस्या से मतलब ये सब कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, बहुत ही हाईलाइट हुआ था न्यूज़पेपर में। राजस्थान में एक लड़का था, वो सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर एक टैंक से पानी पी लिया तो उसको मार दिया गया इन द सेंस कि नहीं थप्पड़ मारा गया, उसको मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो टैंक क्या था, अपर कास्ट के लिए था। तो ये सब क्या है ना, बहुत ही गलत है हमारे जो सोसाइटी में, ठीक है। तो मानना चाहिए, आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग है ना कोशिश कीजिएगा कि अपने तरफ से हम लोग ऐसा कुछ काम ना करें, समझ रहे हो। कारण क्या है कि ये बहुत गलत है और हम लोग एज अ पढ़े लिखे इंसान हैं तो हम लोग अभी नहीं सुधारेंगे ना, हम लोग नहीं सुधारेंगे ना तो हमारी अगली जनरेशन भी यही होगी। तो अगर हम लोग पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि ये सब ऐसा ना हो तो हो सकता है कि इसका प्रभाव हमारे अगला जनरेशन में पड़े, एक एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या हो जाएगा, इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरसीय योजना किसने स्टार्ट किया दोस्तों, तो हो जाएगा कर्नाटक। और आपको पता होगा कि छुआछूत की बीमारी है ना सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर था दोस्तों, साउथ इंडिया में ही था। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पर इवन शैडो जो होता है ना, आदमी का परछाई, उससे भी छुआछूत का बात चलता, विवाद होता था कि इसका परछाई भी हमारे देह पर नहीं पड़ जाना चाहिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट फिल्म रिवाइवल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेयर विल द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 टू बी हेल्ड। मतलब क्या है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का चौथा संस्करण कहां पर किया जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों पंचकूला में। अब कमेंट करके बताइए कि पंचकूला है कौन से राज्य में है, पंचकूला कहां पर है, ठीक है ना। बहुत फेमस जगह है, कुछ साल पहले एक आपको बाबा गिरफ्तार हुए थे यहाँ से, बहुत ही फेमस बाबा थे। और कहीं ना कहीं जो आप एक वेब सीरीज़ देख रहे होंगे आश्रम, सब कोई देखा होगा, दो सीज़न आ गया है, दो या तीन सीज़न आ गया है। तो क्या है कि आश्रम का जो थीम है ना इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो पंचकूला के जो बाबा हैं तो कहाँ पर हुआ था, तो पंचकूला में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द ई लर्निंग स्कीम टू प्रोवाइड फ्री टैबलेट टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th to 12th, ठीक है ना। तो क्या बांटा जाएगा दोस्तों, क्या बांटा जाएगा आपको टैबलेट दिया जाएगा ई लर्निंग स्कीम्स के लिए। तो इसका हो जाएगा कौन सा, तो इसका उत्तर प्रदेश, तो इसका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, हरियाणा आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे हम चौथा वीडियो के साथ। आप इसको देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।
आपको मैं गारंटी की दवा के साथ बोल रहा हूँ कि आपको एक बार इसको रिवीजन करके चले जाओ, सारे बुक का करंट अफेयर्स उठा के डालें, इवन इसमें बिहार का भी करवाएंगे तो क्वेश्चंस और कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप चैनल अच्छा लगा होगा आपका। चलो यहीं पर इसको विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर।